क्लिक करो, ये दिख रहा है, फिर डिटेल पे क्लिक करो, यहाँ से आईपी वर्जन 4 ये देखो, ये तुम्हारी मेन है, इसमें तुम्हें सारी हरकतें करनी है, इसमें 10, 22, 88, 10 दिखा रहे हैं सब, पढ़ लो पहले क्या लिखा, इसको पढ़ो तो देख लो, अगर तुम्हें फेसबुक नहीं चल रहा है तो इसको बस बंद कर दो, उसका ये प्रॉपर्टीज दिखा है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज खुलेंगी और फिर वहां हमें सारी हरकतें करनी है, जैसे उन्होंने कर रखा हो जो तुमको नहीं पता वो बता रहा है, यस कर दो, प्रॉपर्टीज खुल के आ जाए, आईपी वर्जन 4 ही देखना सिर्फ, ये प्रॉपर्टीज खुल गई, और इसमें ड्राइवर दिखा रहा है सिर्फ, यहाँ पे देखो ये आईपी वर्जन 4 पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज खोलो, अगर यहाँ पर यूज द फॉलोइंग आईपी इस तरह से टिक करके आईपी भरी हुई है तो उसको हटा के सीधे ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली कर दो, ऊपर वाले क्लिक कर दो, ये वाली तब सेट की जाती है जब पेज ब्लॉक करने होते हैं, कुछ वेबसाइट ब्लॉक करनी होती है तो दूसरी नहीं, आईपी खुद से बनाई जाती है प्रॉक्सी एड्रेस और उसको सेट किया जाता है, हमारे कॉलेज में यही सेट करके चलता है सारा, अगर ऑप्टेन ऑटोमेटिकली करना होता है जो नेटवर्क दे रहा है वो लेनी है तो ऑटोमेटिकली भी क्लिक कर दो, देखना ज्यादा हमें जहां तक अंदाजा है ये भरा गया होगा, कुछ इस तरह से भरा होगा, 192, 168 अगर बदल के हम करें तो बाद में गायब तो, अगर बदल के करना हो तो 192, 168 और उसके बाद फिर कुछ भी 100 और फिर यहाँ कुछ भी डाल दो, सॉरी 0 से 255 के बीच में डाल सकते हो तो डाल दो, वो सब ठीक है, चलो अगर जैसे हमने अलग हमने ऊपर वाला कर दिया बाद में हमको फिर वही लगाना हो तो याद करना पड़ेगा, गायब हो जाएगा, जैसे नया डालो तो नहीं, जैसे ये डाल दिया इस बार हम यहाँ से गए वापस आए गायब हो गया, तो हमें जैसे कुछ वो लोग क्या करते हैं जैसे कुछ कुछ चीज वो करते हैं जैसे जीमेल कर देते हैं और फेसबुक कर देते हैं और यूट्यूब कर देते हैं और, तो हम बता रहे हैं ना जो मेन सर्वर कंप्यूटर होगा उसमें सेटिंग करी होगी सारे नेटवर्क को और साइटें ब्लॉक कर दी होंगी, तो या तो उस मेन सर्वर से उस चीज डाल हटा दो तो बढ़िया आएगा, नहीं नहीं सबके कंप्यूटर में अलग अलग करते, सबके अलग अलग करते हैं ना, तो जो चीज चला जैसे कोई लोग गूगल बहुत चला तो उसका गूगल बंद कर दिया, हाँ तो बस ठीक है फिर यही तरीका है, सबसे बढ़िया ऑप्टेन ऑटोमेटिकली कर दो अपने आप ऑप्टेन करेगा, अगर तब ना चले तो फिर हमको कॉल करना तो हम बताएंगे कि इसकी असर, लेकिन देखो ये डीएनएस सर्वर, ये डीएनएस सर्वर 1 और ये प्रिफर्ड अल्टरनेटिव, ये तुम्हें खुद सेट करना पड़ेगा मास पता करके, ये अंदाजा नहीं आएगा, ये तीन तो अंदाजे भरी जा सकती हैं और चल भी जाएंगे, लेकिन ये चीज तभी काम करेगी जब देखोगे ये वैसा इसका अंदाजा कैसे लगता है वो बता रहा है, ये तस्वीर तुम्हें आईपी वर्जन 4 पे जाके सारी सेटिंग करनी है, डीएनएस कौन सा चल रहा है ये देखने के लिए फिर से प्रॉपर्टीज खोलो, ये तुम्हें दिखाएगा यही पे दिखाएगा, ये देखो डीएनएस सर्वर लिखा हुआ है आईपी 4 डीएनएस सर्वर 113, 193, 14, 16 यही चीज कॉपी करके जाके वहां पेस्ट कर देना DNS 1 और DNS 2 में, ऊपर वाले को DNS 1 नीचे वाले को DNS 2 में, करने के बाद ओके कर देना, आईपी वर्जन 6 में कुछ शिरकाएं नहीं करनी, सब 4 पे करनी है, अच्छा जरा हटो तो देखो, हां भी मत रखो एक मिनट, फंक्शन के साथ जरा दबाओ F8 क्लोज।